प्यार के लिए अपना देश पाकिस्तान छोड़कर भारत अपने प्रेमी के पास आई सीमा हैदर हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को धूमधाम से मना रही हैं। अब सीमा हैदर पति पत्नी का पवित्र त्योहार यानी कि अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं। सीमा ने सचिन की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। दरअसल सीमा हैदर ने वीडियो जारी कर बताया है कि वो सनातनी धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक करवा चौथ का व्रत रखेंगी। सीमा ने ये भी बताया कि पहले करवा चौथ के लिए वकील एपी सिंह की मां ने लहंगा पूजन सामग्री समेत बाकी सामान भेजा है। उन्होंने वीडियो में अपना सारा सामान भी दिखाया है। वो एपी सिंह के परिवार को अपना मायका बताती हैं और उन्हें धन्यवाद देती हैं। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने भारत की तारीफ करते हुए आगे कहा कि भारत जैसा सुंदर देश पूरी दुनिया में नहीं है। यहां हर त्योहार को एक अलग खुशी के साथ मनाया जाता है जिसे किसी के लिए भूलना आसान नहीं है। साथ ही आखिर में सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपनी बात पूरी करती हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीमा हैदर ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को धूमधाम से मनाया था। सिर पर माता की चुनरी और हरी साड़ी पहनकर सीमा हैदर राधा बनी। सीमा ने बॉलीवुड के गाने पर जमकर डांस करते हुए एक वीडियो भी बनाया था। साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार भी पूरे भाव के साथ सीमा हैदर मनाते हुए नजर आई थी। सचिन के रबुपुरा वाले घर पर वकील एपी सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीमा और सचिन समेत परिवार के सदस्यों के बीच राखी का त्योहार मनाया था। सीमा हैदर ने एपी सिंह को राखी बांधी थी। इतना ही नहीं, सीमा ने बड़े भाई के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आई थी। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। जब से सीमा हैदर की खबर सामने आई है, तब से वो लाइमलाइट में बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।